हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर होता क्या है और कैसे इसका यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ हम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं, किस मटेरियल का बना हुआ है, कितनी इसकी रेंज है और कितना इसका लीस्ट काउंट है। तो ये देखिए, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। ये वर्नियर कैलिपर आपको मार्केट में 5 से लेकर 6,000 तक मिल जाएगा, और अगर आप चाइनीज़ लेते हैं, लोकल ब्रांड का लेते हैं, तो 3 से 4 हज़ार रुपये तक का ये आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, वर्नियर कैलिपर ये एरोस्पेस कंपनी का है। इसकी कीमत 5,000 समथिंग रुपीज़ थी, ये आपको 5,000 में मिल जाएगा। ये देखिए, ये इसकी रेंज है। रेंज का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम नाप सकता है। तो ये 200 मिलीमीटर तक ये नाप सकता है, और अगर हम इंचज़ में बात करें तो ये 8 इंचज़ तक नाप सकता है। दूसरा, ये देखिए, इसका 0.02 mm है, यानी कि ये इसका क्या है, लीस्ट काउंट है। तो ये लीस्ट काउंट क्या होता है कि ये कम से कम कितना छोटा नाप सकता है। दूसरा, ये क्या है, इसका इंचेस में लीस्ट काउंट है। तो हमारे एक ये एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला देखिए आप। देखिए, एक ट्रिक होती है वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर की। ठीक है, ये एमएम में और ये इंचेस में, तो ये इसका हमारा क्या है, लीस्ट काउंट। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का क्या है, लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.02, और माइक्रोमीटर में आप इसको आई, ये जो आई है, आई को 1 मान लीजिए। जैसे मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, 1, तो इसको आप एक तरीके से आई पढ़िए, MICROMETER। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, देखो इसमें 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.01 mm, और दोनों का ही हमारा इंचेस में अगर लीस्ट काउंट देखें तो 0.001 इंच, और यही आपका किसका होता है, माइक्रोमीटर का। तो फ्रेंड्स, एक चीज आपको याद रखनी है, जितने भी आपके वर्नियर हैं, चाहे वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर डेप्थ गेज है, वर्नियर हाइट गेज है, तो सभी का जो लीस्ट काउंट होता है वो एमएम में कितना होता है आपका, 0.02 mm। ठीक है, और माइक्रोमीटर का कितना होता है, 0.01। एक चीज और आपको याद रखनी है, अगर आप अल्फाबेटिकली देखें तो पहले एम आता है, ठीक है, एबीसीडी में पहले एम आता है, फिर वी आता है। तो इसको आप दे दीजिए 1 और इसको दे दीजिए 2। तो आपको यह याद रखना है कि जो इंचेस में है वो तो दोनों का सेम रहेगा, 0.01 इंच और 0.001 इंच, और इसका भी 0.001 इंच। और अगर हम एमएम की बात करें, यानी कि एमएम में, तो माइक्रोमीटर यानी कि पहले नंबर आता है, तो इसका लीस्ट काउंट होगा 0.01 mm, और वर्नियर कैलिपर का कितना होगा, 0.02 mm। तो ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अभी हम इसको वर्नियर कैलिपर को देखते हैं, ओपन करते हैं हम इसको बॉक्स को। तो ये देखिए, ये आपका वर्नियर कैलिपर है। ये देखिए, इसकी 0 से लेके यहां पे 20 तक दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ×10 कर देंगे तो मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका यहां से लेके यहां तक क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो आप इसमें मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर तक नाप सकते हैं। ये देखिए, 20 तक आप इसको नाप सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इंचेस की बात करें तो देखिए, ये 0, फिर उसके बाद 1 1 इंच हो गया, फिर ये 2 इंच हो गया, 3 इंच हो गया, और ये देखिए 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच। तो हम इसमें 8 इंच तक नाप सकते हैं। और ये देखिए, इसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.01 इंच, और यहाँ पे 0.02 mm होता है। फिर नेक्स्ट चीज इसमें देखिए, ये आपके 0 से लेके 1 तक कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी कि 5 है, यानी इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, ये 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 और ये 0.10, ये आपका हो जाएगा। तो हम पहले एक कॉइन लेते हैं, कॉइन का मेजरमेंट करते हैं। ये देखिए, 10 रुपीज का कॉइन लिया हमने, पहले हम इसका थोड़ा पार्ट देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपका ये पार्ट है, ये आउटर डायमीटर नापने के काम आता है। जैसे हमें इस कॉइन का आउटर डायमीटर नापना है, इसका अपर पार्ट है, इससे हम क्या करते हैं, इंटरनल जो डायमीटर है वो नाप लेते हैं इस तरीके से। फिर ये है नेक्स्ट, इसकी अगर हमें जैसे इसकी गहराई नापनी है तो हम इसको इस तरीके से रखते हैं, इसकी गहराई को नाप लेते हैं। फिर नेक्स्ट ये है इसका लॉक नट। अब ये लॉक कर दिया हमने, अब इसका मूवमेंट नहीं होगा। जैसे हमने ये 10 रुपए का कॉइन नापना है, ये तो हमने इसको इस तरीके से लगाया और इसको लॉक कर दिया, अब ये खिसकेगा नहीं। ये देखिए, हम इसके आराम से रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है,
ये क्या है, इसके फिक्स जॉज हैं और ये मूवेबल जॉज हैं, ये क्या है मूव करते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखिए आप, ये आपका है मेन स्केल, ये जो आपका नीचे वाली इस पर है, और ये जो स्लाइडिंग स्केल है ये आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, तो आइए हम इसको चेक करते हैं, इसे रीडिंग कैसे लेते हैं। तो पहले हम 10 रुपीज के कॉइन की आउटर डायमीटर नापेंगे। तो ये देखिए, हमने 10 रुपीज कॉइन को इस तरीके से लगाया और इसको लॉक कर दिया, देखिए लॉक कर दिया हमने। अब हम देखते हैं इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे 10 रुपीज कॉइन की। तो आप इसमें देखिए, ये जो जीरो है फर्स्ट जीरो, ये किसके बाद आ रही है, ये देखिए जो इसमें जीरो है ये हो गया 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 और ये देखिए 2.7। तो हम इसको यहां पे लिख लेंगे 2.7, ये है 10 रुपीज कॉइन आउटर डायामीटर। ठीक है, अब हमें इसके 2 यूनिट तक और वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। आप इसमें गौर से देखिए, ये 2.7 के बाद हल्का सा ये जीरो जो है हल्का सा इधर है, इससे हल्का सा इधर है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में कहीं आ रही होगी। तो हम देखते हैं कि कौन सी लाइन, ये देखिए इसमें बहुत सारी लाइन्स हैं और यहां भी ऊपर लाइन्स हैं, तो कोई एक लाइन दूसरी सामने वाली लाइन से मैच कर रही होगी, तो वही हमारी रीडिंग होगी। तो इसमें हम देखते हैं कौन सी लाइन आ रही है सामने, ये देखिए ये लाइन आ रही है इसके सामने, जो 4 के सामने है ये, आप इसको गौर से देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। अगर आप इन लाइंस को देखें तो ये कोई आगे आ रही होगी कोई पीछे, इस तरीके से, तो ये 4 के सामने आ रही है। तो हम इसके ये वैल्यू देखेंगे, ये हो गया 2, 2.2, 2.4, 2.6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.6। तो हम इसको इस तरीके से 2.6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, आउटर डाया। ठीक है, तो इस 10 रुपीज का कॉइन का जो आउटर डायमीटर है वो कितना है, 2.726। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, ये हमारा एक बॉटल का कैप है, इसका आउटर डायमीटर देखते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इसमें लगा देंगे और इसको लॉक कर देंगे नट को, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब देखते हैं इसका आउटर डायमीटर कितना है। तो इसमें देखिए, ये 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6 से हल्का सा पीछे है। देखिए आप, ये आपका जो है ये 4.6 है, लेकिन इससे पहले है। तो हम इसकी लिख लेंगे यहां पर 4.6। अब यहां तक हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये है आपका कैप ऑफ बोतल इंटरनल डायामीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि कौन सी लाइन किसके सामने आ रही है। ये देखिए, जो 8 वाली लाइन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आ रही है इसके। ठीक है, ये देखिए आप, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 8.0। ये देखिए, इसमें अगर ये लाइन बाई चांस 8 के सामने ना आकर ये वाली लाइन आ रही होती तो यहां पे वैल्यू हो जाती 8.2। तो यहां पे हम लिख देते 8.2। ठीक है, अगर ये वाली लाइन इसके सामने आ रही होती तो हमारी ये वैल्यू हो जाती 6.82। लेकिन हमारा जो एग्जैक्ट जो हमने मेजरमेंट किया है उसका ये डायमीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, इसका जो डायमीटर है ये इसके सामने 8 के सामने सामने आ रहा है। अगर बाई चांस यहां पर आता तो ये 8.2 हो जाता, ये इसके सामने आ रहा तो 8.4, इसके आगे तो 8.6, इसके सामने तो 8.8 और फिर ये 9 हो जाता। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम इसका मेजरमेंट करते हैं। थैंक यू।